अच्छा महसूस कर रही हूँ और मुझे लगता है कि इस तरीके से ये जो परंपराएं हैं जो डाली गई हैं आज से जो इस जैसे नाम ने होना शुरू किया है बहुत अच्छा लग रहा है। और पढ़ाई और इसके लिए तो है ही, लेकिन जैसे कि बोलते हैं कि परिवार ही पहली पाठशाला होती है बच्चे की, तो यहाँ पर और माँ बाप पहले गुरु होते हैं, तो सच में ये चीज यहाँ जो डाली जा रही है बच्चों में ये वैल्यूज इंकल्केट करना बहुत जरूरी है जैसा मैम ने बोला। और बहुत अच्छा लगा ये चीज, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स डे वगैरह तो सेलिब्रेट होते रहते हैं, लेकिन ये जो हुआ है आज का इससे बहुत अच्छा लग रहा है। गुड मॉर्निंग टीचर एंड गुड मॉर्निंग पेरेंट्स जी, मैं शौर्य सुलेखा की मदर हूँ और मैं कुछ थोड़ी सी बातें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका। मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा बच्चा जो है वो 4 ईयर्स से मुझसे दूर रह रहा है, क्योंकि हम बिजनेस के कारण बाहर रहते हैं और वो अपने बड़े मम्मी पापा के साथ यहाँ पर रहता है, और मुझे ऐसा कभी भी फील नहीं हुआ कि भाई इतनी दूरी में रहने के बाद भी वो हमसे दूर है। या जैसे आपने संस्कारों की बात की तो मुझे आज भी ये फील नहीं होता कि भाई मेरा बच्चा मुझसे दूर रहकर यदि कोई संस्कार नहीं सीख पा रहा, मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है। वो आज भी फैमिली में है और खासतौर पर जिस स्कूल में भी है, और वो मुझसे कहता है, कई बार मुझसे बोलती भी हूँ कि चल बेटा जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ हमारे साथ में रहे, लेकिन वो कहता है नहीं मम्मी मुझे पढ़ाई के लिए ही रहना है। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है उसकी कि भाई वो पढ़ाई के लिए हमसे दूर रह रहा है। तो ये वाला डिसीजन भी मैं काफ़ी हृदय से कराती हूँ अपने कि भाई इतनी कमाई में से इतनी समझदारी है, और भाई आपने जो ये इवेंट कराया टीचर्स से बहुत ही अच्छा लगा। भाई बच्चे सही भी बात है कि आजकल मोबाइल में ज़्यादा बिजी रहते हैं और वो इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं दूर जाते जा रहे हैं, फैमिली से चाहे पेरेंट्स से। भाई वो तो बात है ही, मोबाइल में ज़्यादा बिजी रहते हैं, और भाई ये तो सारे पेरेंट्स को मालूम है ये बात। तो टीचर्स ने ये इवेंट कराया बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, हार्ट टचिंग, थैंक यू टीचर। और ऐसे ही इवेंट आप कराते रहिए, बढ़िया बच्चों को एक्सपीरियंस भी होता है हर चीज़ का। थैंक यू मैम। ये जो प्रयास है श्री चैतन्य फैमिली का फैमिली स्पीच प्रोग्राम के लिए ये बहुत ही अच्छी पहल है, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आज मेरी बेटी यहाँ पर है और उसको ये चीज़ मिल रही है देखने फैमिली के लिए। आजकल के बच्चे फैमिली का मतलब भी नहीं जानते अच्छे से, फैमिली तो है बट वो नहीं है जो अपनी पहले होती थी जॉइंट फैमिली वगैरह जो बच्चों को पहले वो सब मिलता था, अब धीरे धीरे वो लैप्स होता जा रहा है होता जा रहा है। तो ये जो फैमिली से बच्चों को जोड़ने का और संस्कार देने का ये फेस्ट जो मैम ने रखा है अपना इस दिया है ये बहुत ही अच्छा है, और मेरी बेटी को भी इससे बहुत अच्छी शिक्षा मिलेगी, और मैं खुश हूँ कि मेरी बेटी यहाँ पर पढ़ रही है और उसको ये सब यहाँ से जो घर में हम नहीं दे पाते हैं उतना टाइम तो वो उसको यहाँ पे मिल रहा है। उसको भी आज उसने मुझसे कुछ बोला कि मम्मा आप जरूर आइएगा यहाँ पर, मैं भी आपका तिलक करना चाहूँगी। तो उसको अंदर से आया कि हाँ फैमिली कुछ होती है, आपको प्रोग्राम हो रहा है तो वो जुड़ रही है उससे, और ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, और जो प्रिंसिपल मैम डीन सर ने ऑर्गेनाइज किया वो बहुत अच्छा प्रयास है, इसलिए मैं बहुत तहे दिल से मैम का धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार, आपके कार्यक्रम में भी बच्चों के माँ बाप के पेरेंट्स बुलाया गया है, उसमें एक अलग दिखती है कि जो भी बच्चे हैं उनके माँ बाप को क्या संस्कार एक तरह से पैर बोलने का संस्कार मिला, ऐसी संस्कार घर में मानते नहीं है। अब आगे हम लोग बड़ी बोलने ऐसा कार्यक्रम आगे ब्याह ऐसा करते रहो, बीच बीच में जो भी कार्यक्रम होते रहते हैं सभी आपके स्टाफ को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये बहुत अच्छा है, उससे मेरे को लगता है कि स्टूडेंट्स बहुत अच्छा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जो डिसिप्लिन अभी है तो फ्रीनेस है अंडर डिसिप्लिन, मतलब एक जो उसको कहते हैं ना कि आदमी को बांध दिया और कुछ करने नहीं दे रहे, लेकिन यहाँ बच्चों को एक दायरे में रख के जो फ्रीनेस फ्री मॉल जो फ्री फ्रीडम जो रहती है एजुकेशन के लिए
खेलने के लिए, म्यूजिक के लिए, आर्ट के लिए, वो सब मिल रही है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है एंड रियली ऑल द बेस्ट टू ऑल द ऑल ऑफ द स्टाफ। थैंक्स, थैंक्स, थैंक यू वेरी मच। सभी माता पिता का सादर अभिनंदन, वंदन, आप सभी को नमस्कार। सचमुच आज का जो पल है वो खुशी का है और इसके साथ ही बहुत भावुक क्षण है, बच्चों के लिए भी, हम सबके लिए, माता पिता के लिए भी, क्योंकि पढ़ाई तो एक दौर है, पढ़ाई तो जीवन में करना ही है, सबको करना है, लेकिन इसके साथ साथ बच्चों में हमारी जो सनातन संस्कृति में माता पिता का जो स्थान है जो सर्वोपरि है, देवतुल्य माना गया है। और दो पंक्तियाँ हैं जैसे कि माता पिता भगवान से कम नहीं, माता पिता भगवान से कम नहीं। बच्चों ध्यान से सुनिए बेटा, फोर्थ क्लास, माता पिता भगवान से कम नहीं और उनके कर्ज को चुकाना आसान नहीं। कौन सा कर्ज? कर्ज यानी क्या होता है बताइए? कर्ज यानी उधार। तो देखिए, आपको किसी प्रकार से कुछ देना नहीं है माता पिता, है ना? माता पिता को जीवन में कुछ नहीं देना है उनसे, तो आपको केवल और केवल आपका कर्तव्य है अभी अच्छे से पढ़ लिख करके आप अच्छे पद पर चले जाएं, उनके स्थान पर चले जाएं, और इसके बाद शायद जीवन में आपके माता पिता से बढ़कर शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसको खुशी का पल उसके लिए नहीं होगा। देखिए, आप जब यहाँ से निकल कर जाएंगे, कहीं किसी ऊंचे पद पर चले जाएंगे, अच्छे स्थान पर चले जाएंगे, तो निसंदेह पैसा तो आप कमाएंगे ही कमाएंगे, पैसा जीवन में अपने आप आते जाएगा, है ना? अच्छी शिक्षा लेंगे तो माता पिता का आशीर्वाद रहेगा। दो पंक्तियां बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा बेटा, कहाँ ध्यान? जेब में पैसे हैं, ध्यान देना, जेब में पैसे हैं तो सब बोलेंगे कैसे हैं, जेब में पैसे हैं तो सब पूछेंगे कैसे हैं, और जेब से है कंगाल तो कोई नहीं पूछेगा आपका हाल। पैसे का महत्व है लेकिन उतना नहीं, जीवन में वो अपने आप आएगा ही आएगा, लेकिन जीवन में हमारी जैसे मैंने आपको बताया सनातन संस्कृति में माता पिता का सम्मान सर्वोपरि है, देवतुल्य, और माता पिता की फटकार, डांट फटकार, वो आपसे कभी रिजिड होकर बात करते हैं, आपके लिए कड़े शब्द का इस्तेमाल करते हैं, त्वरित रूप से आपको त्वरित रूप से वो कई बार लगता है नहीं हमें डांट रहे हैं, आपको बुरा लगता है, लेकिन हमको अगर ध्यान से देखें तो वो आपके वेल विशर है, और शायद ही दुनिया में उनसे बढ़कर आपका कोई शुभ चिंतन होगा। हम एक मंत्र बोलते हैं ना, गुरु मंत्र हम बोलते हैं, ये श्लोक है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम जिस गुरु का महिमा मंडन कर रहे हैं, जिस गुरु के बारे में बता रहे हैं, उस गुरु के बारे में आपको सबसे पहले किसने बताया था? उस गुरु के बारे में सबसे पहले आपको माता पिता से ही ज्ञान प्राप्त हुआ था, माता पिता ने ही उस गुरु से आपका साक्षात्कार कराया था, तो इसीलिए जीवन में माता पिता आपके सर्वप्रथम गुरु हैं, सबसे पहले आपके शिक्षक वही हैं, आपको जीवन का गहरा जिसको कहते हैं वो माता पिता से ही सीखने को मिलता है। माता अगर धरती है तो पिता आकाश है, माता धरती है तो पिता आकाश है, माता डाली है तो पिता वृक्ष है, माता गाड़ी का पहिया है तो पिता गाड़ी है, ये समझ लीजिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और इसीलिए जीवन में माता पिता का कभी स्थान कम नहीं आंकना, उनको कमतर नहीं आंकना है। जीवन में एक अच्छे नागरिक बनकर के आपको आगे बढ़ना है, देखिए फिर आपके माता पिता को सबसे ज्यादा खुशी होगी। और
श्री चेतन में आप जो कार्यक्रम लिखा गया इससे मेरा मन बहुत गदगद हुआ। हमारे देश की पूरी संस्कृति संस्कार जो बच्चों को आज मिलना चाहिए वो यहाँ से मिल रहे हैं बच्चों को, यह देखकर मन बहुत खुश हुआ मेरा। और सभी बच्चों को हम अभिभावक से यही चाहते हैं, वो मैं इस गाने के पद के रूप में कहना चाह रहा हूँ। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज तुम्हारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज तुम्हारा। तो सभी बच्चों से यही कामना है कि स्कूल के इस कार्यक्रम से जो आज शिक्षा मिल रही है इसको आगे बढ़ाकर सभी अपने अपने माता पिता का नाम रोशन करें। यही बच्चों से देती हूँ कि मेरे दोनों पुत्र इसी स्कूल में पढ़ते हैं, आरुष शुक्ला और अवनीश शुक्ला। यहाँ की गतिविधि को ये बच्चे हमारे बताते हैं कि आज मैडम ने ये बताया, मैडम ने ये सिखाया, ये बहुत अच्छी नींव है। पर जैसे कहते हैं ना कि मकान की जब नींव मजबूत होती है तो उसमें कई मंजिल तक मकान खींचा जा सकता है। आज यहाँ से ये बच्चों को ऐसी प्रेरणा मिली है कि हमें माँ बाप का आदर करना चाहिए। ये बहुत अच्छे संस्कार की बात है। हर माँ बाप अपने बच्चों को यही शिक्षा घर पर देते हैं, पर बच्चे उसको सीखते भी हैं और कुछ आगे बढ़ के स्कूल के सत्संग में ऐसे पढ़ जाते हैं कि वो चीज को भूल जाते हैं। पर यहाँ स्कूल में यदि ऐसी नींव चलती रही तो आगे बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल होगा। हम यही कामना करते हैं कि मेरे ये छोटे छोटे नंदे बच्चे, प्रिंसिपल मैडम, पूरा स्टाफ सब उच्च शिखर पर पहुंचे और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का भविष्य आगे चल के बहुत उच्च बने। इसके साथ क्योंकि मैं हिंदी भाषी हूँ इसलिए मैं हिंदी में ही बोल रही हूँ। मेरे को बहुत खुशी हुई, मेरा दोस्त अभिनीत जाके घर में हर गतिविधि को बताता था तो बहुत बहुत अच्छा लगता था। इसलिए मैंने आज प्रेरणा की कि दादी दादा को बुलाया गया है तो मैंने कहा मैं दादी बन जा रही हूँ और मैं दादी से करके अपने बच्चों को, सारे नन्हे मुन्ने बच्चों को, सभी पालकों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद में आपका हार्ट एंड सम क्लास थ्री स्टूडेंट्स हु वर वेलकमिंग अस शॉपिंग द फ्लावर्स, स्पेशली द कोरियोग्राफर ऑफ दिस डांस, thanking the madam and all the people who are behind all this successful program. Why the students are coming in the school? This is the great question to all of us. Why the students are coming? So many schools are all around us. What they are learning here? Subject is common to all. Etiquettes. They are learning here. The discipline they are learning here. The madams who are maintaining these students together are great, great work for the madams. Our one or children we cannot handle in our home. One is moving here, second is moving there, and look here, one or two madams are handling too many naughty kids. They are learning discipline here. We are thankful to all the people, the madam who has changed the scenario of this school. Previously it was Nalanda Public School, it was good. बहुत अच्छा स्कूल था नालंदा भी, वहाँ पर मैडम भी थे, सारे स्टाफ थे, काफी कैपेबल थे, but some new ideas, new thinking, new tests, some technology added to this Sri Chaitanya Techno.
some new staff came there and with great energy. I think जैसे मैडम ने कहा कि हम अपने बच्चे को लॉन्ग टाइम लंबे समय तक यहाँ रखना चाहते हैं. It's good. Thanks to all you worked hard here, especially the leader. जहाज का कैप्टन ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है. हम अपनी कीमती लाइफ को एक पायलट के जिम में सौंप करके निश्चित हो जाते हैं. वैसे ही मैडम ने बहुत अच्छा कार्य किया है यहाँ पर, बहुत अच्छा. जब जब हमें मैडम से मिले हैं, जिस पर मैडम से तो बहुत ज़्यादा एनर्जी मिली है. मैडम ने खुद एनर्जी दी है विद्यालय में और अपने पूरे स्टाफ को मोटिवेट किया है कि कुछ बेहतर हो. हम आज देख रहे हैं इस प्रोग्राम को. हमारे इस प्रोग्राम को लेकर के हमने इस चीज को दिल से सराहा है. ऐसे प्रोग्राम होना चाहिए, लगातार होना चाहिए. यही चीज जो हमारी यंग जनरेशन भूल रही है. हम देख रहे हैं वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ रही है. पेपर में पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को केयर नहीं किया जा रहा है. आज जो ये जनरेशन नई तैयार हो रही है, अगर इसी तरह से अगर शिष्टाचार, मैनर्स, एटिकेट्स अगर बच्चों को मिलते रहे तो निश्चित रूप से एक बहुत बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ा स्टेप है. आज बच्चे इस तरह से थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं, कर रहे हैं, हमें तो उतनी समझ नहीं है, लेकिन जब बार बार देखेंगे किसी को वीडियो के रूप में, निश्चित रूप से एक बीज है जो इनके दिलों में बोया जा रहा है, इनके मस्तिष्क परिपक्व करेगा. Thanks to all, especially all the guests, all the parents who came here. सबने अपना प्रतिनिधि समय दिया है. बहुत important time यहाँ दिया है. Thankful, I'm really thankful to all of you. और इन्हीं से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ. मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा था यहाँ पे आने के लिए. अभी मैं यहाँ पर हिम्मत नहीं कर पा रहा था सामने आने की. डॉक्टर साहब ने मुझे स्पष्ट मना किया था बोलने के लिए. डॉक्टर सुहेल सिद्दीकी, द हार्ट स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल. अभी हाल ही में मेरा हार्ट में एंजियोप्लास्टी हुई है, स्टंट डाला गया है. उन्होंने कहा कि यहाँ पर ज़्यादा बात नहीं करना. शायद पिछले 40 दिन में या 35 दिन में मैंने आज सबसे ज़्यादा बात की है. थैंक्स टू लिसनिंग. थैंक्स. Thank you so much, sir. We wish your speedy recovery to you. From all our Chaitanya group, namaskar aap sabhi ko. Aur sabse zyada sambhalti hai hamari principal ma'am, honorable principal. Very good afternoon, ma'am. Aaj ka jo ye program hum maine dekha hai, I have never seen before this type of honorable program to dedicated to parents. मैंने कभी नहीं देखा ऐसा किसी भी स्कूल में. बिकॉज अभी तक मैंने जितने भी एनुअल फंक्शन एंड ऑल, मेरा भी यही टीचिंग स्टाफ रहा है पहले कैरियर में, बट मैंने कभी भी ये आइडिया नहीं देखा कि हम किसी पेरेंट्स को इतना सम्माननीय, ग्रैंड पेरेंट्स को करें. तो ये प्रोग्राम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा सम्माननीय था और जिसका भी आइडिया है मैं तहे दिल से उसके लिए थैंकफुल हूँ और मैडम के लिए कि इस तरीके का प्रोग्राम हमें मिला, जिसको हमने बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से दिल से इसे इंजॉय किया. और बीच बीच में तो जब बच्चे हमारा सम्मान कर रहे थे तो इट वॉज टीयर इन माई आईज लिटरली. मैंने कभी भी इतना अच्छा, मतलब इसको इमोशनली महसूस नहीं किया. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच. और हेल्पिंग स्टाफ, टीचर्स, इन्होंने ये आइडिया दिया, लिटरली मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएबल हूँ. पहले जब स्टार्टिंग में हम लोग वहाँ पे आए थे तो पहले मुझे लगा था कि पता नहीं स्कूल का स्टाफ एंड ऑल सब कुछ चेंज था. मैं अपने दिल की बात बता रही हूँ आप सबको. तो मुझे लगा था कि पता नहीं मैं आगे ऐसे कंटिन्यू कर पाऊंगी कि नहीं, लेकिन जैसे जैसे स्कूल ने काफ़ी अप्रिशिएबल चीज़ें करी तो मुझे सचमुच बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि हाँ मैं इसे काफ़ी दिन तक कंटिन्यू करूँगी, शायद कल तक, अगर यही टीचर रहेंगे और यही प्रिंसिपल मैम रहे और इनका इसी तरह से हमारे लिए बहुत अच्छा मार्गदर्शन रहा. थैंक यू. और बच्चों में भी, मेरी बच्ची में भी काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट आया है. थैंक यू वेरी मच. आज का जो प्रोग्राम था काफ़ी बहुत ही अच्छा और इसके लिए मैं स्कूल के प्रिंसिपल मैम, सारे टीचर्स, क्लास टीचर्स सभी को थैंक यू बोलती हूँ. ये जो प्रोग्राम है, ऐसे प्रोग्राम स्कूलों में होने चाहिए ताकि बच्चों को ये पता चले कि हमें किस तरह पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी है, उसे
हमें ये पता होना चाहिए कि हमें ऐसे रिस्पेक्ट किया जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी पहल है मैम। तो इसके लिए मैं थैंक यू वेरी मच कहूँगी और ऐसे प्रोग्राम्स होते रहना चाहिए, मैं ऐसे आगे की कामना करती हूँ। थैंक यू एवरीवन। आज का जो प्रोग्राम हुआ तो प्रोग्राम के लिए बच्चे तो जितने सराहनीय है ही हैं, उससे कहीं ज़्यादा सराहनीय स्कूल का मैनेजमेंट, प्रिंसिपल मैम, टीचर्स और जिनने ट्रेन किया सभी लोगों ने। तो एक बार सारे पेरेंट्स से अनुरोध है कि जोरदार तालियां बजाएं बच्चों के लिए और उनके टीचर्स के लिए जिन्होंने प्रोग्राम किया यहाँ का। सबसे पहले जब बच्चे का जन्म होता है माता पिता ही उसके सब कुछ होते हैं। पहले टीचर माँ होती है, पिता होते हैं, वही सब सिखाते हैं, सारी चीजें सिखाते हैं। लेकिन जब बच्चा स्कूल पहुंच जाता है उसे एक टीचर मिल जाता है, वो टीचर ही उस बच्चे के लिए माता पिता और सब कुछ हो जाता है। टीचर स्कूलों में बाकी जगह क्या होता है कि अगर शिक्षा जितनी इंपॉर्टेंट होती है विषय के रूप में, उससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं उसको नैतिक शिक्षा देना। यहाँ पर जो देखने को भी मिल रहा है, जो प्रोग्राम बीच बीच में भी कुछ हुए हैं और आज का भी प्रोग्राम देखिए, लग रहा है कि नैतिक शिक्षा बहुत अच्छी दी जा रही है यहाँ श्री चैतन्य में। बहुत अच्छी पहल है और लगभग सभी स्कूलों में ऐसी पहल होनी चाहिए। इसके लिए यहाँ का मैनेजमेंट और मैम बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मैंने कहीं पढ़ा था अगर बच्चे को अपन, जैसे बच्चे सबके यहाँ पे पेरेंट्स से बहुत जिद करते हैं कभी कुछ गिफ्ट खरीदने के लिए, कभी कुछ खरीदने के लिए, तो अगर अपन किसी बच्चे की जिद पूरी नहीं कर पाते, कुछ उपहार अगर हम नहीं देते उस बच्चे को, तो बच्चा कुछ घंटों के लिए रोएगा, थोड़ी देर रोता है। लेकिन अगर हम उस बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं देते हैं तो बच्चा जीवन भर रोता है। तो इसलिए जरूरी है कि अच्छे संस्कार दें, एक अच्छा व्यक्तित्व समाज में अपन दे पाए। बस यही कहना था और एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद आप स्कूल के सदस्य, प्रिंसिपल, सभी टीचर्स का बहुत बहुत शुक्रिया इस अनोखे प्रोग्राम के लिए जिससे बच्चों में प्रेरणा जगेगी अपने माता पिता और गुरुजन के शिष्टाचार के लिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभी सभी टीचर्स का, जितना अच्छा गेट टुगेदर किया आपने, बहुत 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 ही अच्छा स्कूल है। फर्स्ट टाइम जब मैंने यहाँ पे अपने बच्चे को डाला था तो दैट इज माई इम्पोर्टेंट थिंग कि यहाँ पर मुझे आप संस्कार मिलेंगे कि नहीं मेरे बच्चे को, क्योंकि हम एक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाते हैं, वहाँ पे हमारा बच्चा संस्कार नहीं सीखता। इंग्लिश बहुत अच्छी होती है बट संस्कार हमें वहाँ नहीं मिलते हैं। आफ्टर ऑल कुछ सालों के बाद हमारा बच्चा हमारे रिस्पेक्ट भी नहीं करता है और हम लोगों को पेरेंट्स के तौर पर तो हमारी कोई वैल्यू ही नहीं होती है। बट मेरा जो कंसर्न था स्कूल के लिए कि हमें संस्कार मिलेंगे कि नहीं, हमें हिंदू संस्कृति कुछ, हमें कुछ हमारे श्लोक हैं और भी कुछ चीज़ें हैं हमारे कुछ हिंदू कल्चर की, तो हमारे प्रोग्राम हैं वो सेलिब्रेट होंगे कि नहीं। बट आई एम वेरी सेटिस्फाइड कि यहाँ सब कुछ हो रहा है एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड। आई विश वी सारे पेरेंट्स सेटिस्फाइड होंगे। इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव एज मैम टोल्ड नाउ वी आर फॉरगेटिंग आवर कल्चर, तो हमारे बच्चों को हमारे कल्चर से, हमारे संस्कार से जोड़े रखने के लिए इस तरह के प्रोग्राम और होते रहना चाहिए ताकि हमारे बच्चे, हमारे संस्कार बहुत सारे कंटिन्यू, हमारी एक जो विरासत हम लोगों को मिली वो आगे भी कंटिन्यू चलती रहे। और इसके लिए स्कूल मैनेजमेंट को मैं बहुत बहुत थैंक बोलना चाहूँगा और ये उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इस तरीके के एक्टिविटीज और प्रोग्राम्स होते रहेंगे। थैंक यू। It's, I feel today very good and emotional today. Thank you, Principal Ma'am. And thank you, Alakha, your staff. Thank you so much that you honored us here and welcome us here for this family fest. My daughter is studying from last since she was in Nalanda Public School. At present, she is in Sri Chaitanya. When Sri Chaitanya came this year, I was also puzzled to continue her over here or not. But my decision was perfectly right. Teachers and the staff, they're very good.
एंड अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस ऑफ माई डॉटर आई फील दैट इट्स द बेस्ट स्कूल टू कंटिन्यू ओवर अवर चाइल्ड ओवर हियर स्टडीज आर ऑल्सो वेरी नाइस वेरी वेरी बेस्ट ये समारोह जो था बहुत हार्ड टचिंग था मैम और बहुत ही अच्छा लगा हमें यहाँ पे स्कूल में आके जो हमारा बच्चा सीख रहा है और यहाँ पे टीचर्स वगैरह जो बच्चों को सिखा रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से सिखा रहे हैं एंड वेरी थैंकफुल दिस ऑर्गेनाइज दिस इवेंट थैंक यू चूँकि मैं श्री चेतन फैमिली का पार्ट हूँ पहले मैं रामंदा स्कूल का मैनेजमेंट देख रहा था अभी मैं श्री चैतन्य स्कूल में हूँ और मेरा बेटा नैतिक चूँकि वो उसका दूसरा घर है जब से वो पैदा हुआ था तब से वो यहाँ पर आ रहा है स्कूल में और सभी पेरेंट्स की बहुत ही इमोशनल मोमेंट है मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रिंसिपल मैम को और स्कूल मैनेजमेंट को इतना अच्छा कार्यक्रम आपने किया है बहुत बहुत मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें मैम आई एम सो इमोशनल टुडे मतलब मुझे बहुत अच्छे से याद है फर्स्ट डे ही मेरा कंप्लेंट से शुरू हो गया था और जिस तरह से प्रिंसिपल मैम ने बुलाया सुना समझा उसको सॉल्व किया वो उस दिन से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया था कि नहीं मेरा बच्चा बिल्कुल सही स्कूल में है और सही हाथों में है इस एज में बच्चे यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं मैं तो मतलब किसी के सामने भी नहीं जा सकती थी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग को नहीं पता रहता है कि बच्चा सीख रहा है बहुत इवन मुझे तो कल ही पता लगा कि शुभी का डांस परफॉर्म करने वाली उसने बताया भी नहीं तो हाँ सरप्राइज था उसने शेयर भी नहीं किया लाइक मेरी फ्रेंड है उसका बेटा दूसरे स्कूल में है वो सेम क्लास में तो उसने मुझे बताया कि इसके सिलेबस में तो वॉवल्स भी हैं कॉन्सोनेंट्स भी हैं तो मैंने कहा है मैंने कहा शुभिका को तो है ही नहीं सिलेबस में वो सामने बैठी थी अरे मम्मा वो ए ही आई हो यू ना मैंने कहा तेरे को कैसे पता वो मेरी मम्मा मैम सिखाती हैं क्लास में तो मीन्स बहुत सारी चीज़ें बच्चे सीख रहे हैं जो हम तक पहुँच भी नहीं पा रही है तो वो सरप्राइजिंगली मतलब वी आर वेरी हैप्पी कि हमारा बच्चा सही स्कूल में सही हाथों में और ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन एंड मैम थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मैम को और सभी टीचर्स को और सभी पेरेंट्स को धन्यवाद करना चाहूँगी कि आज ये मतलब 2 साल से मेरा भी बच्चा इस स्कूल में है 2 साल में हमको ये करने का मौका मिला ये अटेंड करने का धन्यवाद जो सबने टाइम दिया और स्कूल को और मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत ही अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है और फैमिली फेस्ट के उसमें बहुत अच्छा लगा मुझे थैंक यू मैम थैंक यू ऑल ऑफ यू थैंक यू सो मच टू इनवाइटिंग अस हियर टू बी द पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम एंड सब बच्चों ने जो परफॉर्मेंस दी दैट वाज सुपर व्हाटएवर दे हैव डन दैट इज सो गुड जो भी उनने किया बहुत अच्छा था जैसा भी किया सुपर और सर बोला मैम ने उनकी मदर ने कि इतने 2 साल हो गए मगर ये पहली बार है जब हम यहाँ इनवाइटेड हैं और बच्चों का ये प्रोग्राम देख रहे हैं बहुत अच्छा लगा मैम थैंक यू सो मच हम अपने बच्चों को घर में नहीं सिखा पाते मगर आप लोग इतने सारे बच्चों को ये सब परफॉर्म करवा पाते हैं थैंक यू सो मच मैम क्रिश्चियन आज इसका पिता हूँ हम लोग चाहते थे सब लोग बोलते थे कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाइए इंग्लिश मीडियम में पढ़ाइए क्रिश्चियन से स्कूल में पढ़ाइए अच्छी पढ़ाई होती है पर हम लोगों का शुरू से यही था कि बच्चों को संस्कार मिलना चाहिए तो हम ऐसे स्कूल में पढ़ाएंगे जहाँ पर बच्चों को संस्कार मिले तो आज ये कार्यक्रम देख के हम लोग को लगा कि हाँ संस्कार का काम चल रहा है धन्यवाद मैं अपने मेरा एक ही बेटा मैं उसको नहीं संभाल पाती और इतने सारे मतलब टीचर इतने सारे बच्चों को संभालना सिखाना बहुत ही मतलब मुश्किल का काम है तो बच्चों को देख के अच्छा लगता है जब उनको कुछ आता है थैंक यू मैम गुड मॉर्निंग मैं देवर की दादी हूँ बहुत व्रत हूँ यदि कुछ गाने में गलती हूँ तो उस पर ध्यान मत देना एक किसान हूँ माँ बाप के इस कलयुग में किस
तरह कटे जिंदगानी माँ बाप की इस कलयुग में किस तरह कटे जिंदगानी वो बेटा क्या बेटा है जिसमें माँ की कदर न जानी वो बेटा क्या बेटा है जिसमें माँ की कदर न जानी माँ बाप की इस कलयुग में किस तरह कटे लेकिन श्री चेतन ने एक विशाखापट्टनम में हमारे कजिन ब्रदर की बच्ची पढ़ती थी, श्री चेतन ने यहाँ आया तो उनसे हमने फीडबैक लिया और उनका फीडबैक बहुत अच्छा था। इस कारण हमने बच्चों को यहाँ पर प्रवेश दिलाया और हम बच्चों से संतुष्ट हैं। धन्यवाद। और मैं बाहर से शिफ्ट हुआ हूँ यहाँ पर हरेली से आया हूँ केवल बच्चों के एजुकेशन के हिसाब से, और मैंने जबलपुर में बहुत से स्कूल ढूंढा स्टार्टिंग में साथ ही ऐसा मालूम है। मुझे जब इस स्कूल में आया और यहाँ का जो कैरिकुलम मेरे को पसंद आया मैंने अपने बच्चे को यहाँ डाला। मैं अपने एक्सपेक्टेशन सीधी को यहाँ देखते हुए कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि एक दिन बोर्ड में श्री का नाम आए। जी जी जी, तो इसलिए मैं श्री से बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखता हूँ और मैं आपके
और आपका जो मार्गदर्शन है उससे संतुष्ट हूँ पूरी तरीके से। आप बहुत अच्छी मेहनत करवा रहे हैं, बहुत मेहनत करवा रहे हैं, आगे बच्चों का है। यदि बच्चे इस पर नहीं कर पा रहे हैं कुछ तो ये उनका बैड लग जाएगा। और अच्छा आते हैं और ऐसे मार्गदर्शन करें। Thank you everyone for conducting, thank you teachers for conducting this program because my brother has doesn't touch my feet from 13 years and I was thankful for everyone teachers. ये जो मेरी फैमिली भी है आज तक ज्वाइंट फैमिली में मैं पैदा हुआ, मैंने अपने होश संभाले, अपने दादा दादी जी को देखा, आज वही संस्कार हमारे यहाँ चले आ रहे हैं। आज मेरे यहाँ भी मम्मी हैं, चाचा चाची हैं, इसके बच्ची के रिलेटिव हैं, सब एक साथ ही एक छत के नीचे रहते हैं, खाना भी एक ही रसोई में बनता है। मैं तो आज सौभाग्य अपने आप को समझता हूँ, जो अच्छे बुजुर्गों का जो उतना प्यार आशीर्वाद रहता हूँ उन लोगों के साथ, वो हमारे परिवार में चला आ रहा है, आगे भी ऐसे चलता रहे। और मैं चेतन के मैनेजमेंट और प्रिंसिपल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। फेस्टिवल में आके एक्चुअली ये फेस्टिवल नहीं था, मैं तो कहूंगी कि हमारे यहाँ जो संस्कार है वो बच्चों को याद दिलाए जा रहे हैं। हमारे बच्चे जो संस्कार भूलते जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग हमारे बड़ों के साथ नहीं कर रहे, हम लोग करते हैं बट हमारे बच्चे वो चीज नहीं सीख पा रहे। शायद आज इस फेस्टिवल में शामिल होकर हमारे बच्चे ये सीख सके कि नहीं मम्मी पापा जो करते हैं वो हमें भी करते हैं। और यहाँ अथर्व में जब मेरे तिलक बंधन और चरण हुए सच पूछो तो मैं बहुत इमोशनल हो गई थी उस समय और अभी भी थोड़ा इमोशनल ही हूँ। सो थैंक यू स्कूल फैमिली, थैंक यू सो मच, ये फेस्टिवल आप लोगों ने सेलिब्रेट किया और हमारे बच्चों को हमारे संस्कार को जीवित रखने के लिए छोटी सी पहल। इस सभाकक्ष में उपस्थित सभी बच्चों के पेरेंट्स, श्री चैतन्य जी प्रिंसिपल महोदया एवं समस्त शिक्षकगण, डीन सर, पहले तो मैं मेरे बच्चे का एक स्मृति आपको सुनाना चाहता हूँ। इसके पहले ये नालंदा स्कूल हुआ करता था, तो मैंने अपने बच्चों का एडमिशन जो है लिटिल वर्ल्ड में दो बार करवाया, जिसमें मेरी फीस करीब 10,000, 10,000, 20,000 रुपए दो बार मैंने दी। उसमें 3 दिन भोजन नहीं किया, उसमें जो बात बोली मैं वो सभी पेरेंट्स बताना चाहता हूँ। मैंने कहा अनमोल बताओ आप ये नालंदा स्कूल में तुम सही तरीके से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो तो आप लिटिल वर्ल्ड में जाइए। तो उसने 2 दिन खाना नहीं खाया, तो मैंने उससे पूछा कि आप ही बताओ करना क्या चाहते हो, तो उसने कहा पापा जैसे आप मेरे को बड़ा कर रहे हो ये इसमें 100% सब बोल रहा हूँ मैं, मतलब मैं कोई काल्पनिक बात नहीं बता रहा, मैं कोई स्टोरी सुना रहा हूँ। बोले पापा जैसे आप मेरे को बड़ा कर रहे हो और मैं आपको बड़े में छोड़ दूँ तो आपको कैसा लगेगा। तो मैं उस दिन नतमस्तक हो गया, मैंने कहा ठीक है भाई आप यहीं पढ़िए नालंदा पब्लिक स्कूल में। लेकिन आज मेरे को बहुत ही गौरव और आनंद का अनुभव हो रहा है कि ये कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम है जो शायद ही जबलपुर शहर के किसी स्कूल में होता होगा, लेकिन ये श्री चैतन्य स्कूल जैसा नाम है यथा नाम तथा गुण, ये जगह दो ही चीजों से मिलकर बना हुआ, मटेरियल और कॉन्शसनेस यानी कि जड़ और चेतन। तो चेतन स्कूल बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि संस्कार के बिना मनुष्य अधूरा है और ये संस्कार जब पढ़ेंगे तो यहां से निकले हुए बच्चे एजुकेशन के साथ साथ में अनुशासित, संस्कारित, मर्यादित और एक अच्छे नागरिक बनेंगे। क्योंकि मैं 2 बार बोल चुका हूं, अभी मेरा आपसे लोगों से निवेदन है कि कुछ भी बोलिए, जैसे मैं कोई वक्ता प्रवक्ता नहीं हूं लेकिन मैं अपनी दिल की बात बोल रहा हूं, आप लोग आइए बोलिए। धन्यवाद डीन सर, प्रिंसिपल सर, मैम। थैंक यू सो मच।